आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हराया, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया के साथ में 130 करोड़ पॉपुलेशन का वो है और पाकिस्तान के सामने जस्ट 3 या 4 करोड़, तो हमारा देखा जाए तो वेटेज वैसे भी उनसे भारी है और वो लोग हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस के नहीं, इंडिया को हराना है और फिर तो बाकी सभी जानते ही पाकिस्तान के बारे में कि वो क्या है और हम लोग उनसे कैसे खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या और विजय शंकर भारत के पास तो अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें कुछ लग इन्वॉल्व है? देखिए, देखा जाए तो भारत के पास दो ऑलराउंडर नहीं, एक तीसरे रविंद्र जडेजा भी है, वो भी एक अपने ही फॉर्म में खेलते हैं और देखा जाए तो यह बेसिकली विजय शंकर अगर देख सकते हैं उनके साथ तो वैसे भी लक है ही। कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, देखिए वो क्या लगता है ये सब प्रचार था? देखिए, वो एक रियलिटी शो है, वो रियलिटी शो के ऊपर हम लोग कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या उनके हिसाब से जो चल रहा होता है एटमॉस्फेयर उनका कैसा मीन्स के बन जाता है वहाँ पे, फिर वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनके पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं पर हम लोग उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आपके हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए, अभी तक टीम इंडिया की अगर कमजोरी देखी जाए तो अभी भी उनका मिडिल ऑर्डर है, अगर देखा जाए तो धोनी अभी फिर भी फॉर्म में आ चुके हैं तो अभी थोड़ा रिलैक्स फील हम लोग कर सकते हैं कि अभी इंडिया की कमजोरी में सिर्फ देखा जाए तो उनकी अभी बॉलिंग थोड़ी सी और उन्हें अच्छी करने की ज़रूरत है। आप टीम इंडिया से क्या कहना चाहोगे? टीम इंडिया बस वही कि 1983 फिर से दोहराया जाए वहाँ पे और हम लोग वापस से इंग्लैंड से वर्ल्ड कप लेकर आए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकुर राणा। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर। हिंदुस्तान ने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया जी। देखिए, जो ये सब चीज़ मैच क्रिकेट की बात है और ये सब चीज़ जो है, हमारा इंडिया जो है एक मतलब जो बोलते हैं कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, तो यही अब भी चल रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। हम पाकिस्तान को हराते रहेंगे, हराते आए हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। हार्दिक पांड्या और विजय शंकर भारत के दो ऑलराउंडर, मतलब भारत के दो अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें कुछ लक इन्वॉल्व है? जी, ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं पर बेटर मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को, मैं फैन हूँ हार्दिक पांड्या का और हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को पहले वर्ल्ड कप में जो उसने रन आउट हुआ था, अगर वो तब भी आउट ना होता तो तब भी वो पाकिस्तान से हम मैच छीन लेते। कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या को काफ़ी ट्रोल किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि ये सब प्रचार था? जी नहीं, ये तो पब्लिक है जो भी है सही करते हैं। आपके हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? टीम इंडिया की कमजोरी मुझे, मैं तो मानता नहीं, आज के इस टाइम टीम इंडिया सबसे बेस्ट टीम है, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी टीम है, मैं इंडिया अपने इंडिया के साथ है और इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है 100%। आप टीम इंडिया से क्या कहना चाहोगे? टीम इंडिया ऑल द बेस्ट, हम तुम्हारे साथ हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और इंजॉय करेंगे वर्ल्ड कप। आपका नाम क्या है? रोहित अग्निहोत्री। आप कहाँ से हैं? कानपुर, उत्तर प्रदेश। इंडिया, हिंदुस्तान ने फिर पाकिस्तान को हराया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में जो है वहाँ पे मीडिया तय करती है किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, अपने चाहे रणजी ट्रॉफी हो चाहे IPL हो, युवाओं को मौका मिलता है और वो निरंतर जो है निखार करते हुए प्रदर्शन में अपने भारतीय टीम में स्थान बनाते हैं। हार्दिक पांड्या और विजय शंकर भारत के पास दो अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें कुछ लक इन्वॉल्व है? लक विजय शंकर कह सकते हैं कि इन्वॉल्व है, हार्दिक पांड्या तो मेहनत से भी पहुँचे, मेरे हिसाब से विजय शंकर कहीं ना कहीं कनेक्शन कोई ना कोई होगा इस वजह से वहाँ तक पहुँचे, बाकी हार्दिक पांड्या और बाकी लोग। कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो आपको क्या लगता है ये सब प्रचार था? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा व्यक्ति हो ये ज़रूरी नहीं है, तो वो हार्दिक पांड्या के व्यक्ति का जीवन था जिसके कारण उन्होंने काफ़ी शर्म भी झेली, लोग ट्रोल भी काफ़ी हुए और ये कहीं ना कहीं भविष्य में उनके व्यवहार में सुधार लाएगा, तो ऐसा होना ज़रूरी था। आपके हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? विराट कोहली का कप्तान होना कमजोरी भी है और फ़ायदा भी। विराट कोहली का कमज़ोर होना इस तरीके से कि एक खिलाड़ी तो खैर वो अच्छे हैं और आपने देखा होगा कि जो RCB के कैप्टेंसी रहे तो बिना इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके बिना अधूरे हैं, तो जब वो टीम भारतीय टीम की बात करते हैं तो वो मजबूत हैं लेकिन भारतीय टीम के बिना वो कुछ भी नहीं।
आप टीम इंडिया से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आराम से खेलो और कोहली साहब अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो, भावनाओं पर काबू रखो, वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। आपका नाम क्या है? रोनाल मोदी। आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। ठीक है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान बार बार बढ़ जाता है पाकिस्तान के खिलाफ? इसमें क्या, हिंदुस्तान की जो बैटिंग पावर है वो बहुत बेस्ट है और पाकिस्तान को तो मुझे पता नहीं है क्यों बार बार हार जाता है। और हिंदुस्तान के क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है हर मैच में, इसलिए बार बार जीत जाते हैं। हार्दिक पांडे और विजय शंकर भारत के पास दो अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ लक इन्वॉल्व है? हाँ, आप देख सकते हैं विजय शंकर तो लक इन्वॉल्व किया कि फर्स्ट बॉल पे उन्होंने विकेट ले ली, इससे उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया कि फर्स्ट प्लेयर हो गए इंडिया के। और हार्दिक पांड्या तो ऐसे मान सकते कि पुराने धोनी हैं, पहले जैसे धोनी खेलते थे ऐसे हार्दिक पांड्या खेलते हैं, जो हारने की जो मैच होती है उसको भी जिता के ले जाते हैं। कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या को काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद आपको क्या लगता है ये प्रचार था? मैंने वो देखा नहीं था, उसके बारे में मुझे पता नहीं कुछ। ठीक है, आपके हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी टीम इंडिया की वही है कि वो तीन चार सीरीज जीत जाती है तो अपने आप को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में खेलती है, उसकी वजह से एक मैच लॉस कर जाती है, वही कमजोरी है उनको। अगर वो मैच जीता है तो ऐसा नहीं कि जीती जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, वही सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हिसाब से, मैं सोच रहा हूँ, बाकी सब क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। आप टीम इंडिया को क्या कहना चाहोगे? बस आप अच्छे से खेलिए और वर्ल्ड कप जीत के लाइए इंडिया के लिए और इंडिया की पब्लिक को खुश कीजिए।